हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 10। लास्ट वीडियो में हमने विचित्र साक्षी अष्टम पार्ट में देखा था कि किसी एक गरीब आदमी ने आध्यात्मिक मेहनत कर कुछ धन कमाया था और उस धन से अपने पुत्र को एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलवाने में वो सफल होता है। वह पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में मग्न हो जाता है और एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी सुनकर व्याकुल हो जाता है और पुत्र को देखने चल पड़ता है। परंतु धन के अभाव के कारण वह दुखी मनुष्य बस को छोड़कर पैदल ही चलने लगता है। तो उसके आगे हम देखेंगे, पदातिक्रमेण संचलन सायं समयोप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसी। अब संचलन यानि चलते हुए, संचलन यानि चलते हुए, गंतव्यात् मीन्स मंजिल से भी, गंतव्यात् दूरे मंजिल से दूर, पदातिक्रमेण संचलन यानि क्रम से पैदल चलते हुए, क्रम से पैदल चलते हुए, सायं शाम के समय अप्यसौ, समय से भी शाम के समय भी गंतव्यात् दूरे आसीत्। यह मंजिल से दूर था। यह यानी कौन? वह मनुष्य जो पैदल अपने पुत्र उससे मिलने के लिए जा रहा था। क्रम से पैदल चलते हुए शाम के समय भी यह मंजिल से दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। निशांधकारे, निशांधकारे मीन्स रात्रि के अंधकार में, रात के अंधेरे में, प्रसृते यानी फैले हुए, विजने यानी एकांत में, पदयात्रा यानी पैदल, शुभवाहा यानी कल्याणकारी। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, यानी रात के अंधेरे में फैले, रात के अंधेरे में फैले प्रदेश में, फैले हुए निर्जन प्रदेश में पदयात्रा कल्याणकारी, शुभ न शुभावहा यानी कल्याणकारी नहीं है। एवं विचार्य ऐसा सोचकर, ऐसा सोचकर स वह पार्श्वस्थिते ग्रामे, सामने स्थित ग्राम में यानी गांव में रात्रि निवासम कर्तुं कश्चित गृहस्थम उपागत। यानी उसने अब सोचा कि रात के समय इस तरह से हमारा जाना उचित नहीं है। यह सोचकर वो हम पास के गांव में ही रात्रि निवास करने के लिए किसी कश्चित, कह चित या संधि है कह चित, गृहस्थम उपागत, गृहस्थम प्लस उपागत ये भी संधि है, तो किसी गृहस्थ के पास गया। करुणा परो गृही तस्मय आश्रयम प्रायच्छत। करुणा से युक्त गृहस्थ ने उसको आश्रय दिया, उसको आश्रय दिया। विचित्रा दैवगति ही, दैवगति यानी भाग्य की गति, दैव की गति विचित्र है, दैव की गति विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः। तस्याम एव संधि है यहाँ पे, तस्याम प्लस एव, तस्मिन् कश्चन, कश्चन फिर से संधि है यहाँ पे। तस्याम एव उसी रात में, तस्याम एव करते हैं उसी रात में, तस्मिन् गृहे उस घर में कश्चन चौरः किसी चोर ने गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, घर के अंदर प्रवेश किया, उसी रात उस घर में किसी चोर ने प्रवेश किया। तत्र निहिताम मेकाम मंजुषाम आदाय पलायित। अब यहाँ भी संधि है, निहिताम प्लस एकाम, निहिताम मेकाम, निहिताम प्लस एकाम, तत्र निहिताम मेकाम मंजुषाम आदाय पलायित, यानी वहाँ रखी हुई, तत्र यानी वहाँ, निहिताम मेकाम यानि वहाँ रखी हुई, मंजुषाम यानि पेटी, आदाय यानि ले लेकर पलायित भाग गया, वहाँ रखी हुई पेटी को लेकर भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना
प्रबुद्धो अतिथि चौराशंकया तम अन्वधावत अगृहणश्च परम विचित्रम घटत। अब देखिए चौरस्य पादध्वनिना यानी चोर के पैरों की आवाज से, चोरस्य पादध्वनिना चोर के पैरों की आवाज से प्रबुद्धो अतिथि। अब प्रबुद्ध यानी जागा हुआ, प्रबुद्धो अतिथि यानी जागा हुआ अतिथि। अब अतिथि कौन था? वही मनुष्य जो पैदल चलता हुआ आकर थक कर उस घर में आश्रय लेता है। प्रबुद्धो अतिथि ही जागा हुआ अतिथि चोरों चौर शंकया यानी चोर की शंका से तम अन्वधावत, यह भी संधि है तम अन्वधावत, तम प्लस अन्वधावत यानी चोर की शंका से उसके पीछे भागा, तम अन्वधावत उसके पीछे भागा और अगृणंच और उसको पकड़ लिया। अब यहाँ भी संधि है जिसकी अगृहणात प्लस च, अगृहणात प्लस च परम विचित्रम घटत, लेकिन क्या हुआ? परंतु विचित्र घटा, चौरह एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत। अब क्या हुआ, क्या विचित्र घटा कि चोर ही, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू किया। चौरह अयम यह भी संधि है, चौरोयम तो चौरह अयम यानि यह चोर इस तरह से उसने चिल्लाना शुरू किया। तस्य तारस्वरेण प्रवृत्ता ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकमतिथिमेव च चौरं मत्वा अभत्सर्यन्। आप देखिए क्या करते हैं गांव के लोग, तस्य तारस्वरेण उसके उसकी ऊंची आवाज से प्रवृत्ता जागे ग्रामवासी नह, ग्रामवासी अप स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर तत्रागच्छन वहां आ गए और वराक यानी बेचारे अतिथि को, वराकम अतिथिम एव यहाँ भी संधि है, वराकम प्लस अतिथि प्लस एव बेचारे अतिथि को ही चौरम मत्वा अभत्सन यानि चोर को ही भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था, लेकिन गांव का सिपाही ही चोर था और उल्टा चोर कोतवाल को डटे इस कहावत को आपने सुना ही होगा, उसी तरह से वो सिपाही ही चोर था लेकिन उस गरीब आदमी को उसने फंसाया था। तत्क्षणमेव रक्षपुरुषाः तम अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। उसी क्षण ही तत्क्षणम एव यहाँ भी संधि है, तत्क्षणमेव उसी क्षण रक्षापुरुषः सिपाही ने तम अतिथि उस अतिथि को चौरोऽयम् यानी यह चोर है प्रख्याप्य इस प्रकार स्थापित कर कारागृह में यानी जेल में प्राक्षिपण डाल दिया। तो यहाँ तक आज हमने देखा है, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको इसकी मैंने जो संधि विग्रह और शब्दार्थ बताए हैं वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और अनुवाद भी याद रखना है और लेसन अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।